हेलो किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, किसान नेताओं का कहना है कि जल्द अपीम नीति घोषित की जाए और नीमच मंडी में पोस्ता दाने का नीलामी कार्य पुनः प्रारंभ किया जाए। अगर समय पर नहीं किया जाता है तो नीमच मंडी का घेराव किया जाएगा और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं कि किसान नेताओं का सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने क्या मांगे हैं। और किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर कृषि संबंधित सभी तरह की जानकारी मैं आप तक शेयर करता हूँ और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चलिए हम समझते हैं कि किसान नेताओं का क्या कहना है। अफीम काश्तकार संगठन ने केंद्र सरकार से नई अफीम नीति को जल्द घोषित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि हर वर्ष देरी से नीति घोषित होने से सैकड़ों किसान काश्त करने से वंचित रह जाते हैं। दूसरी ओर मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। यदि समय रहते नई नीति घोषित नहीं होती है और नीमच में पोस्ता दाना मंडी शुरू नहीं होती है तो नीमच में किसान केंद्र सरकार के खिलाफ धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। किसान नेताओं का कहना है केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा अफीम काश्तकार और किसान भुगत रहे हैं। मार्फिन पद्धति किसानों की समझ से परे हैं। किसानों को आर्थिक शोषण किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। क्षेत्रीय सांसद का मौन बैठना निष्क्रियता का उदाहरण है। और भी किसान नेताओं का कहना है कि नीमच मंडी में मंडी बोर्ड ने खसखस पोस्ता दाना खरीदने के लिए लाइसेंस दे रखे हैं, परंतु मंडी बोर्ड और व्यापारियों की साठगांठ से खसखस किसानों से नहीं खरीदा जा रहा है। वहीं मजबूर होकर किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। यदि यह व्यवस्था समय पर नहीं की जाती है तो नीमच मंडी का घेराव किया जाएगा। किसान केंद्र सरकार से मांग करता है कि प्रत्येक किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए जाए, हर वर्ष सितंबर के अंत तक नई अफीम नीति घोषित की जाए और मार्फिन प्रणाली को समाप्त किया जाए। विगत वर्षों में कम औसत से कटे हुए लाइसेंस बहाल किए जाए। अफीम के भाव 10,000 रुपये प्रति किलो किए जाए। 2013 में बेमौसम बरसात व अतिवृष्टि से कटे लाइसेंस की कार्रवाई रद्द की जाए। तो इस तरह की मांगे किसान नेताओं द्वारा केंद्र सरकार के सामने रखी गई हैं। यदि केंद्र सरकार इस पर निर्णय जल्दी नहीं लेती है तो किसान धरना आंदोलन प्रदर्शित करेंगे। तो किसान भाइयों, आपको ये जो सूचना बताई है किसान नेताओं द्वारा केंद्र के सामने इस तरह की मांगे रखी गई हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप चाहते हो कि अफीम नीति कब तक घोषित होगी उसकी संपूर्ण जानकारी, पूरा डिटेल से आप जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी अफीम नीति घोषित होगी तो आपको इसी चैनल पर पूरा डिटेल से बताया जाएगा। और किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उन सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए जो अफीम की खेती करते हैं, यानी कि उनको अफीम का लाइसेंस प्राप्त है। तो किसान भाइयों, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।